इंदौर शहर में लगातार जर्जर मकानों को नगर निगम द्वारा ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम के रिमूवल अमले द्वारा अब तक 25 जर्जर मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर मकानों को लेकर पिछले दिनों गाइडलाइन जारी करते हुए दर्जनों मकानों को चिन्हित किया गया था। इंदौर में बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कई बार जर्जर मकान गिरकर एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। ऐसे ही मकानों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया है। जो मकान 100 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुका है या फिर जिन मकानों को काफ़ी जर्जर स्थिति में देखा गया है, ऐसे मकानों को नगर निगम द्वारा लिस्ट तैयार करके ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक तकरीबन 2 दर्जन जर्जर मकानों को ध्वस्त करने का काम निगम द्वारा किया जा चुका है। निगम ने गुरुवार को जोन 1 के वार्ड क्रमांक 8 में स्थित खतरनाक मकानों को तोड़ा। आज नगर निगम के जोन नंबर 1 में ये अहिल्यापुरी कॉलोनी में कोई भागीरथ प्रसाद का एक अत्यंत जर्जर अवस्था का मकान था। उस मकान को हम लोगों ने पूरा प्रॉपर जो हमारे यहाँ खाली कराने की कार्रवाई होती है, उसके बाद हमने इसको ये जोन नंबर 1 के अहिल्यापुरी के इस मकान को हम लोगों ने आज तोड़ा है। अभी अत्यंत जर्जर मकान हम लोग लगभग 25 मकान कर चुके हैं, जो आम नागरिकों के लिए हानि हो सकता था या उनमें रहने वाले लोगों के लिए जारी रहेगी कार्रवाई। हाँ, ये कार्रवाई जारी रहेगी और जैसे जैसे हम लोग रोज लगभग एक दो जोन में रोज एक दो मकानों की कार्रवाई करते हैं और ये हो रही है और होती रहेगी।